का जो विपक्ष है वो हमलावर है कि पक्ष यानी कि सत्ता जो है सरकार है वो किसानों का उत्पीड़न कर रही है अपने फायदे के लिए और खास करके अडानी अंबानी के नाम से उसको जोड़ के देखा जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट उनके लिए बना है न कि ग्रामीणों के लिए। मंदुरी एयरपोर्ट अब नेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे। 22 दिनों के धरना को, लेकिन अभी तक कोई सत्ता पक्ष से कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति वहां नहीं पहुंचा और ना ही उनके धरने में शामिल हुआ और ना ही उनको सांत्वना दिलाया। हालांकि विपक्ष हमेशा हमलावर धरने में जाकर नेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल अपोजिट साइड में 7 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी जगह है, लेकिन खेती वहां पे हो रही है। क्या ऐसा नहीं लगता है कि अगर इस रूप को इधर दे दिया जाए तो कुछ किसानों के लिए लाभ हो जाएगा? उस गांव को सरकार जीत में आकर के चिन्हित करती है तो वहां पर कुछ मुआवजा देने की बात चल रही है, लेकिन वहां पर कम से कम कुछ ऐसे घर हैं, ऐसे लोग हैं जिनके पास एक बिस्वा जमीन नहीं है, उनके बारे में क्या फिर आपकी सरकार करेगी? आजमगढ़ में एक मुद्दा आजकल बहुत दिनों से गरमाया हुआ है और गरमाया इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उस पर पिछले 22 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन शांतिपूर्वक। इसके पीछे की जो वजह है वो आपको हम बता दें कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो एक प्रोजेक्ट पास हुआ था, उस वक्त सांसद थे मुलायम सिंह यादव जो आज इस दुनिया में नहीं है, हवाई पट्टी बनी और उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसको एयरपोर्ट बना दिया गया। फिर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उसको और विस्तार दिया गया और उसे नेशनल एयरपोर्ट बनाने की कवायद तेज हो गई। लोगों में खुशी थी कि अब यहाँ पर नेशनल एयरपोर्ट बनेगा और यहाँ से हम लोग कहीं भी आ जा सकते हैं बाई प्लेन। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण हैं उनकी खुशियाँ रफू चक्कर हो गई, यानी यूँ कहें कि वो लोग निराश हो गए और अब उस नेशनल एयरपोर्ट का विरोध कर रहे हैं। पिछले 22 दिनों से आए दिन रोज एक बागीचे में 8 से 9 गांव के लोग धरना प्रदर्शन इसलिए दे रहे हैं कि जो नेशनल एयरपोर्ट बनने की कवायद सरकार की शुरू हुई है उसी 8-9 गांव को उसने चिन्हित किया है जमीन के लिए, और इसी मामले को लेकर के वहां पर आए दिन धरना प्रदर्शन हो रहा है। पक्ष है कि हमलावर है कि जो माफ कीजिएगा जो विपक्ष है वो हमलावर है कि पक्ष यानी कि सत्ता जो है सरकार है वो किसानों का उत्पीड़न कर रही है अपने फायदे के लिए और खास करके अडानी अंबानी के नाम से उसको जोड़ के देखा जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट उनके लिए बना है न कि ग्रामीणों के लिए। इस मामले में जो स्थानीय लोग तो धरना प्रदर्शन दे ही रहे हैं, अब वहां पे राजनीतिक पार्टियों का भी सह मिलने लगा है और वो बिल्कुल पक्ष पे हमलावर हैं। अब विपक्ष अगर हमलावर है तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर ग्रामीण वहां पर अगर हमलावर हैं पक्ष पे तो ये बात समझ में नहीं आती है। 22 दिन हो गए धरने को, लेकिन अभी तक वहां पर कोई सत्ता पक्ष से उनकी सुधि लेने नहीं पहुंचा, और इसी मामले में हम पिछले 7 दिनों से ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं और सोचा कि इस मामले में पक्ष की भी बात रखनी जरूरी है, क्योंकि जब जनता उग्र होती है तो सत्ता पक्ष का एक सांत्वना शायद उनको शांत कर सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसे ही धरना प्रदर्शन का अराजक तत्व फायदा उठाते हैं और घुस करके अराजकता फैलाने का काम करते हैं, जो एक दंगे का रूप दे दिया जाता है। हमारे बाजू में जिस शख्स को आप देख रहे हैं ये आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी से, नाम है ध्रुव सिंह, इनसे हम बात करेंगे इस मुद्दे पर। जिलाध्यक्ष जी, न्यूज 9 नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मंदुरी एयरपोर्ट अब नेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जैसा कि आप जान रहे हैं जी, इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं जो अपने के प्रधान सेवक के रूप में बराबर जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं, और कभी उन्होंने अपने को प्रधानमंत्री नहीं कहा, नहीं कहा, प्रधान सेवक और चौकीदार जी, जो जनता की लगातार चौकीदारी कर रहे हैं, जिनका सपना है इस देश का गरीब, इस देश का शोषित वंचित अच्छी सुविधा, अच्छे वातावरण और उनके जीवन स्तर का उच्चीकरण हो, उनकी आर्थिक स्थिति का उच्चीकरण हो, उस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं और किसानों की भी आय दुगनी करने के लिए लगातार जो प्रयास कर रहे हैं। उनका सपना है कि हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज में होंगे, इस हवाई जहाज में उड़ाने के लिए जो आपकी हवाई पट्टी आजमगढ़ मदरी की है उसका उच्चीकरण होना है। लेकिन यहाँ पर तो किसानों का शोषण किया जा रहा है, एक तरफ से कहा जा रहा है उच्चीकरण के संबंध में वहाँ जमीन का रिक्वायरमेंट होना है। इसमें कुछ दिन पूर्व कुछ किसानों ने मिला था, हमारे सांसद भी थे, हम भी थे, वहीं पे लोग मिले थे, बातचीत हुई थी, कुछ इधर उधर करने का विषय आया था,
उसमें कुछ शासन प्रशासन से बात हुई थी, इसके बाद में आगे जो भी कहानी कह रही है, फिर एक नई अड़चन उसमें आ गई है, किधर आबादी जा रही है, इधर खेती की जमीन है। उस पर अभी कुछ हमारे मंडल अध्यक्ष जिले के लोगों ने हमको अवगत कराया है, और इस पर हम कल जिलाधिकारी महोदय से मिल करके बात करेंगे, जिसमें किसानों का हित हो और हवाई अड्डा का संचालन भी यहाँ पर, जो तो नेशनल हवाई अड्डा का सपना है वो भी सुचारू रूप से बने, यहाँ के लोग उससे सुविधा पाए और किसानों को कोई अहित न हो, उसके संबंध में कल जिलाधिकारी महोदय से एक प्रतिनिधिमंडल मिलेगा, वार्ता होगी। आगे फिर जिलाधिकारी महोदय द्वारा जैसा इसमें बताया जाएगा, उससे आगे जा कर के माननीय मुख्यमंत्री जी और आगे उसके भी जो मिलना होगा, किसानों का हित किसी प्रकार से नहीं होगा, क्योंकि हमारी सरकार लगातार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उनकी चिंता कर रही है, उनके बारे में बड़े बड़े फैसले दे रही है, अभी हर समय MSP हर साल फसलों को बढ़ा रही है, सब फसलों को क्रय करने की योजना बना रही है, इसलिए सरकार जो हमारी है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे हमारे प्रदेश की सरकार हो, एक किसानों की हितैषी है और किसानों की पूरी चिंता करेगी। 22 दिनों के धरना को, लेकिन अभी तक कोई सत्ता पक्ष से कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति वहां नहीं पहुंचा, और ना ही उनके धरने में शामिल हुआ, और ना ही उनको सांत्वना दिलाया, हालांकि विपक्ष हमेशा हमलावर है धरने में जाकर के। नहीं, हमारे जो वहाँ के स्थानीय अपने नेता है, कार्यकर्ता है, बराबर उनके साथ लगे हुए हैं, बराबर बातचीत हो रही है, प्रकाश राय जी हैं, मंडल अध्यक्ष हमारे मनोज गिरी जी हैं, तमाम हमारे वहाँ जो नेतृत्व स्थानीय विधानसभा की राजनीति करते हैं, लगातार जनता के साथ किसानों के साथ बने हुए हैं, और उनकी समस्याओं को हम लोगों तक अवगत करा रहे हैं, और हम लोग लगातार शासन प्रशासन से इसमें वार्ता कर रहे हैं, इसका उचित हल निकलेगा, किसानों की भी न्याय मिलेगी, और आजमगढ़ का जो विकास का सपना मुख्यमंत्री जी ने जो इस जिले को गोद लिया है, अधिक से अधिक कैसे आजमगढ़ का विकास हो, आजमगढ़ कैसे उत्तर प्रदेश में एक उत्तम जिला के रूप में स्थापित हो, इसकी चिंता हो रही है, इसकी भी चिंता होगी, यहाँ के किसानों की भी चिंता। नेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल अपोजिट साइड में 7 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी जगह है, लेकिन खेती वहाँ पे हो रही है, क्या ऐसा नहीं लगता है कि अगर इस रूप को इधर दे दिया जाए तो कुछ किसानों के लिए लाभ हो जाएगा, 8-9 गांव की बस्ती अभी उसके संबंध में अवगत कराया गया है जी। अब हम लोग मिलेंगे कल जिलाधिकारी महोदय से और वार्ता उनसे होगी, उनसे कहा भी जाएगा एक बार उच्च अधिकारी चल के जो है वहाँ निरीक्षण करें, निरीक्षण करके फिर आगे प्रशासन शासन से बात करके उसमें जो अच्छा निर्णय हो जिससे किसानों का भी हित हो और आजमगढ़ के विकास का भी हित हो, दोनों के हित को देखते हुए वहाँ पर निर्णय होगा, ऐसा प्रयास हम लोग करेंगे। अध्यक्ष जी, अगर उस गांव को सरकार जिद में आकर के चिन्हित करती है तो वहाँ पर कुछ मुआवजा देने की बात चल रही है, लेकिन वहाँ पे कम से कम कुछ ऐसे घर हैं, ऐसे लोग हैं जिनके पास एक बिस्वा जमीन नहीं है, उनके बारे में क्या फिर आपकी सरकार करेगी? हमारी सरकार जो भी करेगी उचित करेगी, इतना मैं जान रहा हूँ, हमारी सरकार पर हमको भरोसा है कि हमारी सरकार गरीब हितैषी है, किसान हितैषी है, मजदूर हितैषी है, किसी भी प्रकार का शोषण गरीबों मजदूरों किसानों का नहीं होगा, जो सरकार करेगी अच्छा ही करेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आखिरी सवाल मेरा होगा, कुछ दिनों से आजमगढ़ जनपद में एक ऑडियो वायरल हो रहा है, और उस ऑडियो वायरल में नाम लिया जा रहा है कि भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा और एडीओ पंचायत की ऑडियो है, जिसमें एडीओ पंचायत द्वारा गाली से उनको नवाजा गया है, काफ़ी उनको अभद्रता का प्रयोग किया गया है, इस मामले में आपकी तरफ से क्या कार्रवाई हुई है और क्या उसमें चल रहा है? इस प्रक्रिया में हम लोग पुलिस अधीक्षक महोदय से एक प्रतिनिधिमंडल मिला था जी, उनसे वार्ता हुई थी, सारे घटनाक्रम को उनको अवगत कराया गया था, और एक अच्छे बेहद ईमानदार अफसर हैं यहाँ के पुलिस अधीक्षक जी, और अच्छा काम कर रहे हैं जनपद में, जो हमारे भू माफिया हो, चाहे यहाँ के माफिया हो, चाहे गुंडा हो, और जीरो टॉलरेंस जो योगी जी का मंशा है उस पर लगातार काम कर रहे हैं। उसी में मैं बात कर रहा हूँ, अगर इस तरीके से एक सरकारी कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरह की भाषा का प्रयोग करे, नारे गोली मारने की अगर कोशिश करे, धमकी दे, तो क्या भाजपा फिर आजमगढ़ में अपना पैर जमा पाएगी? हम लोग मिले थे कप्तान महोदय से और उसमें FIR हुआ था, जो कर्मचारी है उसके विरुद्ध FIR हुआ था, चार लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ है भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं पर और हरिवंश मिश्रा के जिला उपाध्यक्ष। जो भी मुकदमा दर्ज हुआ है उस मुकदमे का निस्तारण कराया जाएगा, किसी प्रकार से गलत मुकदमा दर्ज हुआ होगा
हमारे उपाध्यक्ष के खिलाफ, तो हम लोग इसमें मिलकर के यहाँ के स्थानीय प्रशासन से बातचीत करेंगे, उस मुकदमे को खत्म कराया जाएगा। और जो भी ये तो योगी जी की सरकार है, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी गुंडागर्दी सरकार में नहीं चलेगी। बड़े बड़े गुंडे माफिया जेल में है, उस अधिकारी की जांच चल रही है, FIR हो गया उसके खिलाफ। अगर वो दोषी पाया जाएगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है उसको बसका नहीं जाएगा, क्योंकि ये योगी जी की सरकार है, किसी की गुंडे यहाँ नहीं चलेगी, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे आम जनमानस जो भी हो। किसी भी प्रकार की गुंडे या सरकार न बर्दाश्त करेगी, न हम लोग बर्दाश्त करेंगे, न भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त करेगी। मंदिर एयरपोर्ट को लेकर के अभी आप लोगों से कुछ लोगों ने आपको पत्र सौंपा है, क्या इनकी मांगे हैं और आप इसमें क्या कर रहे हैं? जो इनकी मांगे हैं जमीन इक्वायर करने का, उसी संबंध में हम लोग कल मंडल के जिलाधिकारी महोदय से उस पर बात करेंगे, उसे निरीक्षण करने के लिए कहा जाएगा, बाकी जो भी उसमें उचित निर्णय होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। धरना प्रदर्शन पे जो लोग पिछले 22 दिन से बैठ रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश होगा हमारे चैनल के माध्यम से? धरना प्रदर्शन जो लोग कर रहे हैं उनसे वार्ता होगी, उनसे यही आग्रह है कि सरकार किसानों गरीबों की हितैषी है और उनका कोई हित नहीं होगा, जो भी होगा उन लोग पक्ष में अच्छा होगा, आजमगढ़ के पक्ष में अच्छा होगा। तो हमारे साथ जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह थे और इन्होंने अपनी खुलकिस भी बात रखी है, और इनका कहना है कि हम जिलाधिकारी से लेकर के मुख्यमंत्री तक इस बात को रखेंगे और किसानों के प्रति हमारी सरकार हमेशा संवेदन अच्छा काम की है और अच्छा से काम करेगी, उनका कभी अहित नहीं होगा। और मंदिर एयरपोर्ट मामले को लेकर के इन्होंने अपनी पूरी बात रखी है, हो सकता है कि इसमें एक अच्छा निर्णय हो और गाँव वालों की जो ज़मीनें हैं वहाँ पर रहे और उनका आसियाना न उजड़े। कैमरे के पीछे राकेश थे और मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है, आप देख रहे थे न्यूज़ 9 नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।